इथं आलेले माझे बंधू भगिनी ओबीसी आणि सगळंच माझा समाज आज एकत्र बसलेला आहे। खूप आनंदाची गोष्ट आहे। स्वतःचा हक्क मागण्यासाठी आजपर्यंत आपल्याला कोणी हा रस्ता दाखवला नव्हता। सामान्य म्हणून जगत होतो, सामान्य म्हणूनच जगून राहलो आणि असं जगणार होतो। पण तुम्ही तुमचं स्वाभिमान, मान सन्मान, हक्क आणि अधिकार मिळण्यासाठी तुम्ही एकत्र यावं, एकत्र बसावं। का की आम्ही या भारताचेच नव्हे तर या जगामधले सगळेच नागरिक एकत्र येऊन बसण्याची हिम्मत आणि ताकद ही ऊर्जा निर्माण करणारे आपले भाऊ काशीनाथ नाईक राठोड भाऊनी आपल्याला मान सन्मानी जगायचं शिकवलं। इथे आलो कशासाठी माझे भाऊ बंधू भगिनींनो? इथे आलो आपण आपला हक्क आणि अधिकार मागण्यासाठी, कोणावर जुलूम करण्यासाठी नाही आलो। आजपर्यंत आपल्याला ही गोष्ट कळली नव्हती, पण आज कळाली। या देशातच नव्हे तर या जगात जिथे जिथे आपण राहतो, ओबीसी सर्व समाज, तिथे तिथे गाई म्हशींची जनगणना झाली। पण या देशाचे नागरिक म्हणून जगत आहो, पण आपली जनगणना कधी झाली नाही। का नाही झाली आणि व्हायला पाहिजे? जर नाही झाली तर किती मोठं नुकसान आहे हे आपल्याला समजून येईल। म्हणून म्हणते मी, माझा आवाज असतो, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ही उतनी ही ज्यादा उतनी ही हिस्सेदारी है। यह हिस्सा हम अपनी सरकार से मांगने को एक जगह आए हैं, एक जगह बैठे हैं, और ये हिस्सा लेना यही हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एक बार नहीं और कितनी बार आना पड़ेगा, और आएंगे और हम हमारा अधिकार लेकर ही जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी बहुत शोषित हो रही है, पीड़ित है ये शोषित पीड़ित, और ये समाज को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। ये संतम हम और सब जने यहाँ देख रहे हैं और यही ही जिंदगी जी रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को ये जीने का नहीं, ये जीने देने का नहीं है ऐसा, और सुख समाधान और उनका हिस्सा सब मिलना चाहिए। सब ओबीसी बांधा सब एक जगह आए और बैठे, अपनी पेंशन है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत सियासी अपनी छह मांगनिया है, ये हमारी मांगनिया पूरी होनी चाहिए। इसलिए हम इस बार नहीं, बार बार आते रहेंगे। जब तक हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम आते रहेंगे और सरकार का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इतना ही बोलकर मैं यहाँ अपने दो शब्द बोलकर रुक जाऊंगी, और सभी मान्यवर मेरे भाई बहनों, जैसे आप घर से आए हैं, इस बात को यही अपन यहाँ युद्ध में लेकर जाएंगे। यहाँ बैठे हैं जो अपना खून नहीं वह पानी है, जहाँ यहाँ बैठे हैं अपना खून नहीं वह पानी है, और अपना हिस्सा लेकर ना रहेंगे तो हमारी व्यक्त व जवानी है। इसलिए हम इस बात नहीं, बार बार आते रहेंगे और आप अपने ओबीसी का हिस्सा लेकर रहेंगे। मेरे साथ सबको एक आवाज में बोलना है, ओबीसी सर्व एक पर, ओबीसी सर्व एक पर, ओबीसी सर्व एक पर। जय शिवालाल, जय संविधान, जय मानवता, जय विज्ञान।